तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? यार वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं हॉरर मैप जिसका नाम है द पॉइजन। वो उसी क्रिएटर ने बनाया जिस क्रिएटर की मैं तुमसे पहले बात कर रहा था। जी हाँ, ये इसका नाम है पोटैटो मैन। ये जो मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी, जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने डीमन ब्रेन गेम खेला था, वही हॉरर मैप इसी क्रिएटर ने बनाया। तो यार इसी को पूरा क्रेडिट जाता है। तो यार इसकी वीडियो को लाइक्स कर देना और यार शेयर तो ज़रूर कर देना। और यार मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस मैप का, तो जाके ज़रूर जाके खेल लेना। तो यार ट्यूटोरियल के रूप में दे चुकी है एक गाइड। तो यार बेसिकली आप अपने मल्टीप्लेयर आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। और इसमें पूरे पूरे 5 चैप्टर हैं जिनमें से है द हाउस, द वॉर हाउस, द एटिक एंड क्या कहते हैं द फॉरेस्ट स्टार्टिंग में। तो यार मैं नॉर्मल रखूँगा क्योंकि मैं बेसिकली नॉर्मल लगता हूँ डिफिकल्टी। और चलो आके खेलते हैं इस हॉरर मैप को। तो ये बेसिकली ऐसा हॉरर मैप है जो माइनक्राफ्ट का सबसे स्कैरियस्ट मैप माना गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार सब्सक्राइब कर देना जरूर। भाई हो भाई, कितना स्पूकी लग रहा है भाई, कितना डर लग रहा है भाई। स्टार्टिंग में ही डर लगा दिया तुम लोगों ने। गाइड के साथ गाइड भी दे दी हमें। और चलो देखते हैं गाइड के अंदर क्या है। स्मॉल थिंग्स ब्रिंग कंसिडर। अरे यार ये फिर वो ही बताने स्टार्ट कर रहे हैं जो बुक में भी तो बता रखा था, इसमें भी यही बता रहे हैं। द रिवर ऑफ रोहमेंस और लीव, ठीक है। द स्माइलिंग मैन, हाँ हम जानते हैं स्माइलिंग मैन ने कोई टाइप का स्माइलिंग मैन था जो मतलब इन पे कब्ज़ा करना चाहता था इस विलेज पे। और उनमें से एक था जो स्ट्रेंज विलेजर है, उसको पागल कर दिया उसने। और जो स्ट्रेंज विलेजर है वो बिल्कुल भी उन लोगों से बात नहीं करता था, क्या कहते हैं, अलग ही अपना रहता था, अलग रहता था अपना, और एशियंट हाउस में रहता था। तो हमें उसको देखना है कि उस बंदे ने उन लोगों के साथ क्या किया है और हमें उन्हें बचाना भी है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। भाई यार कितना डरावना लग रहा है ऐसे अगर जंगलों में अकेले जा रहे हैं। और भाई लाइटिंग, भाई घर भी तो ऐसे बना रखे। भाई किसकी आवाज़ है? मिसिंग, मैं कह रहा था ना मिसिंग। भाई वो सारे विलेजर्स के घर टूटे हुए हैं और पूरे सब कुछ। तो यार हमें रॉ मटन मिल चुका है और 3 हमें बोन मिल चुकी है, स्ट्रॉ मिल चुका है बीट रूट का, और एक वीकनेस भी दे रखी है हम लोगों इन लोगों ने। तो लेदर की हमें चेस्ट प्लेट टाइप मिल चुका है चेस्ट। भाई वो कौन है भाई? स्टार्टिंग में दिखा दोगे क्या तुम यार? भूत फूत यार यार भाई मैं उधर नहीं जाऊँगा, पहले उधर ही जाऊँगा। तो देखा तुम लोगों ने कैसे पूरे घर टूटे फूटे हैं। तो यार ये उसी स्माइलिंग मैन का कमाल है जिसका नाम पता ही नहीं यार, आगे आएगा मैं बता दूंगा। सो भाई ये एकदम थंडर स्टॉर्म है, सिर कटा हुआ है ये भाई, कंपोस्टर के अंदर भाई सिर कटा हुआ है विलेजर का। मैं कह रहा था ना भाई ये अलग ही लेवल है भाई ये गेम। ये हॉरर मैप ऐसा वैसा हॉरर मैप नहीं है भाई, दम निकाल देता है। और ये क्या ओए ओए भाई, यार ऐसे मत डराओ यार भाई, विलेजर को टंगा रखा है भाई, ऐसे मत डराओ यार, दम निकल जाती है भाई। देखो भाई क्या क्या चीज़ें रख रही है मार के लिए। ओह शिट, मुझसे पहले जो लोग आए थे स्टीव, कितने सारे स्टीव मरे पड़े भाई। हेबल है और ये भाई ये, हाँ उस जगह पे हम जा नहीं पा रहे थे लेकिन हम भी नहीं आ पा रहे। सो मैं भाई इधर ढूंढा कुछ भी नहीं मिला, ऐसे ही कटे पटे सिर मिले थे। ओ भाई ये उसी स्ट्रेंज विलेजर का घर है, उसने पूरा बंद करके रख रखा है और इनको मार मार के रख रखा है भाई। क्या हो रहा है? ब्लास्ट फर्नेस, कुछ नहीं है इसके अंदर, पका भी तो नहीं सकते हम। इधर भी कुछ नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये भी एक घर है। तो हमें वीट मिल चुकी है और इन्हें इन्हें फेंक दो यार, ये क्या कहते हैं। हमें की भी मिल चुकी है गाइस, की भी मिल चुकी है। रोटेन फ्लैश फेंक देते हैं और इसके नीचे ऐसे छुप सकते हैं, छुपने के लिए आइए। भाई भगवान ना करे हमें छुपना पड़े। तो मैंने की ला के डाल दी है और चलते हैं। ये ही है वो घर,
ये क्या दिख रहा है? डोंट मेक एनी नॉइज, आवाज़ नहीं करनी बिल्कुल। हम तो करेंगे भैया, हम तो आवाज़ करेंगे। ए विलेजर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा विलेजर, ए स्ट्रेंज विलेजर, ए बाहर निकल बे, ए बाहर निकल। हेलो कुमार है तूने? चलेंगे भाई, डर लगता है भाई। बेल बजाते हैं इसकी, बेल यार कहीं और से नहीं जा सकते क्या? कैंडल ऐसे रख रखे भाई, बिना अंधेरे के रह रहा ये बंदा, कर क्या रहा था ऊपर? ओ शिट, बेल बज गई। ओ क्या हो गया, गायब हो गया, वो आ रहा है भाई। ओ शिट, रन, भागो भाई भागो, भाग भाई भाग 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 भाई। वैसे इन थंडरस्टॉर्म में यार कहाँ भागू मैं, क्या भागू यार आसपास नहीं आ रखे पीछे। भाई निकलाया, बाहर निकलाया। डार्कनेस, ये क्या हो गया? डार्कनेस मिल गई भाई, क्या हो गया? सब कुछ घूमने लग रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शिट, पता ही नहीं कहाँ बंद कर दिया यार। होश आ चुका है मुझे। चैप्टर सेकंड द हाउस, तो यार हम हाउस के अंदर जाना है, अब हमें इससे एस्केप करना पड़ेगा। हमें इसने ट्रैप के अंदर बंद कर रखा है भाई, ट्रैप तो देखो कैसे। ओ नीचे गिर गए, कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं। और ये डोर है, ये नहीं खुल रहा, ये भी नहीं खुल रहा, ये भी नहीं खुल रहा, ना ये ही खुल रहा। सो इसको करते हैं, कुछ होगा क्या? और डायरी वन मिल चुकी है, और एक एक्स मिल चुकी है, और हमें कुकड फूड मिल चुका है। ये क्या है? रोटन चैम्बर वेल्व ओपन, तो आगे चलते हैं। ये दरवाजे, शिट बिफोरा, तो आगे चलना पड़ेगा। ये तो स्टोन कटर है भाई, हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, उसे मारने में मदद करें। ये चलते हैं, कुछ भी नहीं है इधर। ये क्या, ये क्या है भाई? टॉर्चर एरिया, अरे ये क्या हो गया? ये टॉर्चर करता है इधर, इसको छेड़ना ही बेकार है। ओह इधर हम छुपने के लिए हैं। और ये क्या है? डंजन भाई, उधर देखो जेल में कितने लोग बंद कर रखे हैं। बेसिकली इसकी जेल है, ये कड़क रही है बाहर भाई साहब। इसको भाई, ये किस टाइप का विलेजर है? आंखें देखो इसकी, क्या एक्सपेरिमेंट कर रखा है भाई। मार दिया उसे, कोई तो क्या होता भाई, वो ही है क्या भाई? ऐसे मत डराओ भाई, ये कितने बड़े बड़े जाइंट, क्या कर रखा है ये बता ही नहीं यार, क्या बना रखा है इन लोगों ने। आवाज़ ऐसी ऐसी आ रही है। ओह ये कैमराज हैं, ऐसा हम देख सकते हैं कैमरा से भाई। मुझे कुछ भी नहीं दिखने के लिए मिला कैमरा में, पागल बना दिया यार। वो रहा जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो रहा भाई स्ट्रेंज विलेजर। यही मत, ओह ये मारने लग गया भाई। मैं जल्दी से ऊपर चढ़ के आ चुका हूँ, पता नहीं यार इधर ही होगा क्या, इधर तो नहीं है भाई। वो चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा भाई, वो ये रहा, आ गया भाई, भागो यहाँ से यार, ये तंग कर रहा है भाई। अच्छा मुझे पता चल गया भाई साहब कि क्या कहते हैं, एंटिटी इनके अंदर नहीं आ सकती ऐसी इन चीज़ों के अंदर भाई साहब, नहीं तो वो आ जाता इधर यार। इधर ही छुप के देख रहा हूँ मैं उसे, वो देखो वो रहा, पता ही नहीं यार क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये। वेल्व ओपन कर दिया भाई, नीचे चलो, नीचे चलो। ओहो यार कुछ मिल ही नहीं रहा। ओहो चेस्ट, हाँ शिट, नेदर राइट की चेस्ट प्लेन मिल चुकी है गाइस। भाई साहब अब आ जाओ, अब आ जाओ। स्टोर के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ तो मिल सकता है, कुछ नहीं मिला यार, वो खुली नहीं रही चेस्ट। ये चेस्ट है, ओहो हमें लेदर की वो मिल चुकी है, और हमें बो भी मिल चुकी है, अब उसे शूट कर सकते हैं हम बो से। और ये रॉट एंड फ्लैश पता ही नहीं क्यों रख रखते हैं एक्सपेरिमेंट। ओ यार टू बी एबल टू स्विच ऑन बॉयलर,
सिक्स वेल्स, यानी कि ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमें स्विच करने हैं 6 वेल्स 6 वेल्स। पता ही नहीं यार कहाँ कहाँ मिलेंगे, इधर भी नहीं है। और तो यार इस वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो यार ज़रूर कर देना, और मुझे जल्दी बताना कि मैं अगला मैप कौन सा खेलूँ, हॉरर मैप। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है भाई। एक लेडर जा रही है इस साइड, ऊपर चलते हैं। तो यार मेरे को ये लेडर के ऊपर ये मिला है कोई, मैं सब ऑन कर रहा हूँ। ओह मेरे को एक वेल भी दिखा, यही है क्या? एंशिएंट रूम वेल्व ओपन। तो यार हमारे पास सिर्फ 5 वेल्व्स हैं जो हमें ऑन करने हैं, क्योंकि हमने इंजन रूम कर चुका है। और मुझे बेसिकली पता ही नहीं है कि इंजन रूम पता ही नहीं कौन सा है, इधर जाऊँ इधर जाऊँ। लेबोरेटरी के अंदर आ चुका हूँ मैं, और इन रास्तों में बढ़िया यार ये ऐसे रास्ते बनाया पता है, क्योंकि इनके अंदर तो वो निकल आ ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे ओ क्या हुआ, क्या हुआ भाई मेरे को? यार ऐसे मत ड्राई करो यार भाई, तुम देखोगे ना तो ये बोलोगे भाई ये कैसे पप्पीज हैं। मैंने उस डायरी में पढ़ा था ना कि पप्पीज और उन सबके पास होंगे, मैंने बोला छोटे मोटे पप्पीज होंगे। पप्पीज ये पूरे पूरे सांड हैं, देख तो लो इन्हें, ये देख जो भाई साहब, एक हार्ट कर दिया मेरा यार। मुझे कुछ पोशंस बेहमत बियर, तो यार ये उसी के रेड वाइन यानी क्या क्या है, ये उसी की हैं। द स्ट्रेंज विलेजर का नाम मेरे को अब पता चल चुका है उसकी डायरी में, उसका नाम बेहमत है, बेहमत। ओ यार ये कैसी साउंड है अजीब सी, उसी की है क्या बेहमत? पता ही नहीं वो यार क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्या चल रहा है उसके माइंड में कुछ भी नहीं पता यार। भाई इस घर से बाहर निकलना है भाई, पता ही नहीं यार कहाँ ट्रैप कर दिया उसने यार। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, मत काँप रहे हैं। तो मैंने लेट्स गो गाइस, मैंने सेकंड वेल भी ओपन कर दिया है, लिविंग रूम वेल ओपन। हीरो ब्रांड यार इतना डर लग रहा है, ऐसी आवाज़ तो भाई मैं भागते हुए आ गया, क्योंकि मुझे पता था मेरा एक आर्ट रह गया था, और भाई इतनी दम नहीं है मेरे में भाई, वुडन की एक्स से मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। और मेरे को एमरल्ड मिल चुका है प्लस आर्मर, लेकिन नेदरराइट भाई नेदरराइट की बढ़िया है इससे, तो एमरल्ड बेकार है, इसे फेंको। यहाँ पे ले यार ये भाई, इसने आयरन गोलम की क्या हालत कर रखी है, क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता है ये, इसके पीछे होगा क्या, ये क्या है? अब ग्रेट एयर फोर्स द ब्लैक स्टोन, भाई ये कोई नहीं रहा, विदर हैं सारे के सारे। तो लेट्स गो गाइस, हमें तीसरा भी मिल चुका है, लेबोरेटरी वेल्व ओपन। तो हमने 3 ओपन कर दिए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें 3 और ढूंढने हैं, पता ही नहीं किसके भाई नहीं चुके। शिट मार दिया उसने मुझे यार, मैं जल्दी से भाग के आ चुका हूँ भाई, ऐसे मत ड्राई करो यार बीच बीच में। इधर लाइटर भी मिलेगी क्या, फायरवर्क है वो सब है, लेकिन लाइटर लाइटर तो है ही नहीं कुछ, फैन के उड़ेंगे बताओ यार, घर के अंदर उड़ेंगे, दिमाग तो सही है क्या? तो यार चलो आगे बढ़ते हैं, और ओहो सब कुछ सही कर देता हूँ एक मिनट। हम तो इसकी भी मेरे को की मिल चुकी थी, और मैंने तीसरा भी एटिक का जो वेल्व ओपन था वो भी कर चुका है, अब हमें बस 2 ही हैं। और हाँ ये कैमरास अब ओपन हो चुके हैं, क्योंकि हमने लेबोरेटरी उनका वो ऑन कर दिया था सिस्टम, जिससे अब मैं देख सकता हूँ कि वो बेहमत किधर है। भाई कहीं नहीं दिख रहा वो, और जब भी हम कहीं जाते हैं तो कहीं दिख जाता है वो, इधर भी नहीं है यार वो, इधर भी नहीं है भाई। हमें एक विलेजर मिला था जिसमें पता नहीं क्या क्या दे रहा था, और ये क्या है, ये क्या नाम है फिडियस। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर